वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं फोटोशॉप में एक अच्छा सा पोस्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पोस्टर हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ साइड में कॉर्नर में जाना है। यहाँ से आपको चूज़ करना है ग्रेडियंट कलर। जैसे ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक टेक्सचर कलर आ जाता है, आप यहाँ देखेंगे। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा रेड लेके चलता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा डार्क। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वाइट आ रहा है, हमने कलर चूज़ कर लिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर वाला जो पॉइंट है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा ओपेसिटी। ओपेसिटी को आप पूरा 100% कर देंगे तो आपको ये कलर टेक्सचर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, लीनियर में रखना है। अगर आपको कोई और अपने हिसाब से चाहिए तो आप यहाँ से एंगल उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको लीनियर में लेकर चलता हूँ। ठीक है, ये कुछ हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। अब आइए हम यहाँ से इमेज ले लेते हैं। तो मेरे पास ये कुछ इमेज डाउनलोडेड है, तो मैंने एक टेक्सचर डाउनलोड कर रखा है। इस टेक्सचर को मैं पहले ड्रैग करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। कंट्रोल टी, आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना होता है जैसे इमेज को, वैसे स्टार्टिंग में हमेशा जब आप ड्रैग करके लाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। इफ़ इन केस अगर नहीं आता है तो कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए। मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा कवर हो। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आप करने के बाद आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोड्स आ जाएंगे। तो मेरे को जो मोड अच्छा लगे आपको अपने हिसाब से, मेरे को थोड़ा सा वाइल्ड चीज टाइप में चाहिए तो मैं ये ले लेता हूँ कलर डॉज। मैं कलर डॉज को उसको छोड़ देता हूँ। हल्की सी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा इसकी कम करके रखता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं। मेरे पास कुछ इमेज के कटआउट बने हुए हैं, देख सकते हैं। मैं फर्स्टली इमेज ले लेता हूँ, इसको ड्रैग करके हम यहाँ लाते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। शिफ्ट दबाकर आप या ऑल्ट दबाकर साथ में अगर करेंगे तो इस चारों तरफ से छोटी होगी, और अगर आपको वैसे करना है तो आप इसको ड्रैग करके थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से करता हूँ, एंड देन कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे आपको देखेंगे क्लिक पर हैंडल वगैरह का आ रहा हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से। मैं इस तरीके से इसको रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, करने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से आ गई है। अब मैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड है। देख सकते हैं आप, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो रखा है। आप इसको राइट क्लिक करेंगे एंड देन गो टू द रास्टराइज। आप रास्टराइज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से हट जाता है। आप देख सकते हैं रास्टराइज करने के बाद हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो लेवल्स ओपन हो जाएगा। लेवल्स प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको हम अपने हिसाब से, जैसे आप इसकी लेवल्स को ठीक करना चाहो अपने टेक्सचर के हिसाब से, मैं थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ इसकी। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आके ये आपके कर्व देख सकते हैं आप, कर्व्स। तो मैं कर्व्स पे क्लिक कर रहा हूँ। कर्व्स पे क्लिक करने के बाद हल्का सा मैं इसके कर्व को मूव करके देखता हूँ कि पूरा टेक्सचर यहाँ पर कर्व हो रहा है। मैं इस तरीके से नहीं, हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसकी स्किन टोन या कुछ भी यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक मास्क बन जाएगा एक तरीके से। जिस तरीके से खाली इसकी स्किन टोन वाला पोस्टर का देख सकते हैं आप, तो स्किन टोन जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया। उसके बाद गो टू द इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ पर आ जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। तो ब्राइटनेस तो इसकी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से रख लेते हैं। जैसे कि मैं कुछ इस तरीके का कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और ये डार्क टाइप हो जाए। जितना फोटो में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रखेंगे आप उतना ही इमेज बढ़िया दिखेगी। देख सकते हैं, कंट्रोल यू का प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक कलर मोड टूल आ जाएगा। आप यहाँ से इसकी लाइटिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ कलर डॉज में जाएंगे तो ये पूरा देख सकते हैं। जब इस पर आप क्लिक करते हैं कलराइज पे, तो कलराइज पे जब क्लिक करेंगे तो पूरी इमेज देख सकते हैं चेंज हो रही होगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर कलराइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको पूरी कलर चेंज हो रहा होगा। देख सकते हैं आप, ये हो रहा है ना,
हम इसको थोड़ा सा यहाँ जाएंगे और इसको थोड़ा सा रेड की तरफ रखेंगे ताकि हमारा जो पोस्टर साइज है, पोस्टर का जो कलर टेक्सचर से हमारा इमेज भी थोड़ी सी मिल जाए। हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। तो मैं कुछ इसे इस तरीके से लेके चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम एक दूसरी इमेज लेते हैं, मैं इसकी दूसरी इमेज ले रहा हूँ, ये मैंने दूसरी इमेज ले ली है। इमेज लाने के बाद अब इस इमेज को हम कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर दो। अब यहाँ देख सकते हैं आप थोड़ा सा यहाँ पर ये जो कटआउट है, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा बढ़िया नहीं लग पा रही हैं आपको देखने का, ये कटिंग अलग से देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं हम इस पे मास्किंग बनाएंगे। मास्किंग बनाने के बाद बी प्रेस करेंगे। बी प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर बैकग्राउंड आपका ब्लैक ही होना चाहिए। जैसे ही बी प्रेस करेंगे तो इसको थोड़ा सा ब्रश को छोटा करेंगे, ब्रश आ जाएगा। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा स्मूथिंग देना चाहें हम यहाँ से दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अब यहाँ से इसकी साइज़ को हम ठीक कर लेते हैं, हार्डनेस कर लेते हैं 0, साइज़ को थोड़ा सा बड़ा और हम अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये अपने हिसाब से कर दिया, सॉरी। अगर वापसी लाना चाहते हैं ज़्यादा हो जाए तो कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो आप ये चीज़ें वापसी आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको छोड़ दिया। कंट्रोल टी करके मैं इस वाले बैकग्राउंड को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये, और पीछे वाले को हल्का सा छोटा करते हैं ताकि इसके साथ एडजस्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। मैंने ये कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारी इमेज कुछ इस तरीके से आ चुकी है। हमारी बॉल है किक मारते ही फोटो, इस फोटो को हम थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और इस फोटो को भी थोड़ा सा हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की हो सकती है, क्या होता है कलर टेक्सचर, हम उसका थोड़ा सा सेट करेंगे। मैंने इसके थोड़े से कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा रखा है ताकि थोड़ी फोटो हाईलाइट हो जाए। कुछ इस तरीके से ऑनलाइन हिट ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये फोटो मैंने यहाँ सेट कर दी है। हम वापसी मास्किंग में क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा बैकग्राउंड अजीब लग रहा है तो हम इसको एक्स दबा के प्रेस करेंगे और मास्क को वापस लाएंगे। हम थोड़ा सा इस चीज़ को और कवर पे लेके चलते हैं ताकि थोड़ा अलग से कटआउट ना दिखे। ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेंडिंग हो गया ताकि हमारी जो कटआउट है वो अलग से हमें ना दिखे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन करने के बाद अब इसको थोड़ा सा इमेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इमेज डाउनलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने जो कर रखा है ये इमेज कर रखी है, मैं फायर की इमेज को उठाता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ, कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा सा इमेज को मूव करेंगे, बड़ा करेंगे कंट्रोल टी से। इसको इस इमेज लेयर को उठा करके नीचे ले जाएंगे इस इमेज के पीछे और यहाँ से इसके मोड चेंज करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको जो मोड अच्छा लगे, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं उसको, तो मेरे को कुछ ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर
थोड़े से ये जो अलग से इमेज के कटआउट दिख रहे हैं क्योंकि पुरानी इमेज जो है पूरी तरीके से सही से पीएनजी नहीं है, तो उसको रास्टराइज पे क्लिक करेंगे एंड देन हिट ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ से इरेजर टूल ई से प्रेस करके इरेजर टूल लेंगे। यहाँ पर आप मेक श्योर ध्यान रखें कि इरेजर टूल यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करेंगे आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा उसको बड़ा करेंगे टूल को और यहाँ से हार्डनेस हम कर देंगे 0, साइज रखेंगे नॉर्मल। हार्डनेस हटाने के बाद जब हमारी ताकि हमारी जो कटआउट की इमेज बनी मतलब इरेज हो इमेज थोड़ी सी स्मूथ रहे ताकि वो अलग से दिखे ना, ताकि हार्डनेस ना हो, ताकि इमेज पे बुरी ना लगे, हम थोड़ा सा इस तरीके से इसको कर देते हैं। कंट्रोल जे इस्तेमाल करते हैं, इसी इमेज की कॉपी बनाते हैं। कंट्रोल टी से हम इसको मूव करते हैं साइड एंड देन हिट कंट्रोल, छोटा करेंगे कंट्रोल टी दबा करके इसको भी, और थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करेंगे ताकि थोड़ा सा अलग से दिखे इमेज। थोड़ा सा ज़्यादा अंदर चली गई, हम थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ रखते हैं ताकि थोड़ा सा हमारी फायर वाला पोर्शन जो आग है वो हमें इस तरीके से हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर हो चुका है, हमने बैकग्राउंड सेट कर लिया है, इमेज भी सेट कर लिया। दोस्तों करने के बाद हम इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम इसकी एक बार मेरे को ऐसा लगता है कि कॉपी ले सकते हैं, कंट्रोल जे से इसकी कॉपी बनाई और हमने इस फायर वाले पोर्शन को थोड़ा सा नीचे की तरफ भी रखते हैं ताकि जो हमारे कटआउट वाली ब्लेंडिंग वाला पोर्शन है इसमें ये चीज़ें थोड़ी सी मैनेज हो जाए ताकि हमारे को ये अलग से ना प्रटेंट हो। इरेजर टूल लेंगे ई दबा करके, थोड़ा सा इस चीज़ को रब कर देंगे ताकि हमें अलग से दिखे नहीं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा और बड़ा कर लिया ताकि ये अच्छी लगे। एक लेयर न्यू लेयर लेंगे, बी प्रेस करेंगे ब्रश टूल लेकर के और यहाँ से बैकग्राउंड कलर रखेंगे ब्लैक। अब जो न्यू लेयर क्रिएट हुई है इस लेयर के आउटसाइड में आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक बाउंड्री बनाई, हमने एक ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी छोटा सा बॉडी के सहारे सहारे इस तरीके से शेडो क्रिएट करेंगे ताकि ये चीज़ हमें अलग से दिखाई दे। बी प्रेस करें एंड देन हिट ओके ताकि हमारी इमेज के ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड में डार्कनेस आ जाए और ज़्यादा। मैंने इस तरीके से कुछ कर लिया, आप ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मेरे को थोड़ा सा अपने हिसाब के लिए ये अच्छा लगता है तो ये लेके चलते हैं कि हमारे पास ड्रॉप शेडो का ऑप्शन भी होता है। कंट्रोल टी दबाएं और हल्का सा इसको शेडो को थोड़ा सा अंदर करके चलें ताकि ये एडजस्ट हो जाए बॉडी के साथ। अब यहाँ से इसके ब्लेंडिंग चेंज करके देखते हैं शेडो, जैसे कि ये है। अब आप हम आपको जो अच्छा लगे, मेरे को अपने हिसाब से थोड़ा ये बेटर लग रहा है ब्लैक वाला, मैं इसको लेके चलता हूँ। कंट्रोल टी करें ताकि थोड़ी सी दिखे शेडो और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी मैंने यहाँ से कम कर दी है ताकि थोड़ा सा शेडनेस बनी रहे। एक और लेयर लेते हैं दोस्तों, लेयर लेने के बाद हम डी प्रेस करेंगे और यहाँ से कलर सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा कलर टेक्सचर थोड़ा ये ऑरेंज वाला भी उठा लेते हैं। आप यहाँ से पिक टूल से पिक कर सकते हैं। करने के बाद हम इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा बैकग्राउंड में और देंगे ताकि कलर शेडो दिखे इमेज फायर वाले पोर्शन।
कंट्रोल प्लस से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। ब्रश को छोटा करें हल्का सा, इस तरीके से थोड़ा हम और ले लेते हैं ताकि थोड़ी ब्लेंडिंग अच्छी लगे, ताकि हमारी जो शेडनेस है वो अलग से दिखे। हमने कुछ इस तरीके से कर लिया दोस्तों। हम इस इमेज को एक बार सेव कर लेते हैं, अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया है, तो हम इसे एक बार सेव कर लेते हैं। सॉरी लैंग्वेज चेंज थी यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसको सेव कर लिया है इसको, ताकि हमारी इमेज पूरी तरीके से सेव मोड पे सेव हो जाए। हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमारे पास ये इमेज बची है, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ताकि ये और बेटर दिख सके। इसको थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे हम, कॉन्टेक्ट अच्छे हैं इसके। हम कंट्रोल जे का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी बनाते हैं इस लेयर की फायर वाली की, और थोड़ा सा हम ट्राई करके देखते हैं कुछ नया। हम इसको इमेज को थोड़ा छोटा करते हैं, पैर वाले पोर्शन के पास जाके थोड़ा सा उसको और छोटा करते हैं ताकि अलग से दिखे नहीं। इसको इस तरीके से डाल सकते हैं ताकि इमेज अच्छी लगे। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे पहले, उसके बाद कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। बी प्रेस करने के बाद एक यहाँ से कलर पिक करेंगे ब्लैक। ब्लैक करने के बाद हम हिट ओके, कंट्रोल टी इस्तेमाल करेंगे और हल्का सा इसको शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे ताकि हम यहाँ पर बॉल की शेडो बना सकें। आप देख सकते हैं बॉल की शेडो बनाना ज़रूरी है, तो हम इसको इमेज को बॉल के पीछे ले जाते हैं, शेडो को हल्का सा छोटा करेंगे, इंजन है तो ओके। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो फुटबॉल है वो थोड़ी सी कट रही है, तो हम क्या करते हैं इस फुटबॉल वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कटी हुई बॉल थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो अब यहाँ से आप क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट क्लिक करके इमेज को रास्टराइज कर लेंगे, यहाँ पर आपका आ चुका होगा। अब यहाँ से हम बॉल का टेक्स्चर को ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर देंगे ताकि सॉरी दोस्त थोड़ी सी लेयर अजीब लग रही है। हमको ट्राई करते हैं इसको थोड़ा सा ब्रश कैप्स लॉक ऑफ करेंगे ताकि ब्रश तरीके से दिखे। स्टैम्प टूल रास्टराइज दोबारा करेंगे, हमारा बैग ज़्यादा हो गया था। यहाँ से हम हार्डनेस रख देंगे नॉर्मल, ज़्यादा नहीं करनी। इसके बाद हमने इसको हल्का सा कॉपी किया, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। इरेजर टूल से थोड़ा सा परफेक्ट नहीं आई, लेकिन कोई नहीं, इतना चलता है। हम इसको इरेजर टूल को यहाँ से लेंगे, हार्डनेस करेंगे इसके जितना साइज हार्डनेस 100%, और इन बॉल की थोड़ी सी जो शेप है वो ख़राब हो गई है, उसको हल्का सा ठीक कर लेते हैं ताकि सामने से बुरी ना लगे बॉल। अब देख सकते हैं आप थोड़ी सी जो कटिंग थी वो दोस्तों बुरी नहीं लग रही है, थोड़ा सा सही हो चुका है। शेडो पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पी से हल्का सा शेडो को और थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि हमें लगे ये बॉल की ही शेडो। इसके बाद शेडो की कंट्रोल जैसे कॉपी बनाई, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने कंट्रोल टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद हम इस इमेज को जो शेडो है इसको हम इस वाली इमेज के नीचे ले जाएंगे, थोड़ा सा शूज के साथ मूव लगा देंगे ताकि ये लगे हमें ये शूज़ की शेडो है, अलग से थोड़ा दिखे ताकि हमें ये शूज़ की शेडो है। हम
तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल की से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लिए ताकि हल्का सा मूव करिए, बी प्रेस करिए, शेडो देख सकते हैं अभी शूज़ वाली भी इधर से थोड़ा दिख रही है। हम यहाँ पे बी प्रेस करने के बाद ई प्रेस करने के बाद इरेजर पर आ जाएंगे, इरेजर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हल्का सा यहाँ से उसको इरेज कर लीजिए ताकि थोड़ी सी चीज़ें अजीब सी ना दिखे शेडो साइड से। हम उसको हल्का सा मूव करेंगे और बिल्कुल शूज़ के साथ लगा देंगे ताकि ये चीज़ थोड़ी सी रियल हो जाए। बॉल के वाली शेडो को हल्का सा थोड़ा सा दूर रखेंगे और इसको थोड़ा सा और पतला कर देंगे, ज़्यादा थोड़ी चौड़ी हो रही है आप देख सकते हैं। हमने इस तरीके से इसको शेडो को बना दिया और यहाँ देख सकते हैं हमारा कुछ पैर इस तरीके से दिख रहा है लेकिन थोड़ी सी मेरे को अजीब लग रही है, इसको थोड़ा सा बाहर और करेंगे साइड में, बुरी नहीं लगेगी। हमने इस तरीके से इसको कर दिया, ठीक है दोस्तों। करने के बाद अब हमारा कुछ पोस्टर इस तरीके का आता है। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं राइट पे और हम आते हैं ड्रॉप शॉट इस वाली इमेज को लिए। ये जो इमेज है अब यहाँ देख सकते हैं ये इमेज की जो हार्डनेस है शेडो की वो थोड़ी ज़्यादा है, उसकी ओपेसिटी रखेंगे थोड़ा सा कम और इसको हल्का सा के उसकी हार्डनेस है साइज शेडो का इसको हल्का सा यहाँ से मूव रखेंगे और ये हिट ओके। अब यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा ये चीज़ जो है आप यहाँ देख सकते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा वाइटनेस दिख रही है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सेलेक्ट करें इमेज को यहाँ से मास्किंग दें, मास्क कर दें। मास्क करने के बाद ये इमेज हमारा होगा मास्क बनकर आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा। हम इसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद जो उसकी रेडियस है और स्मूथनेस अब थोड़ा सा हम देखें फैदर, मास्किंग बनाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं राइट क्लिक करेंगे और करने के बाद जब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ट्रांसपेरेंसी और ये वाला पोर्शन इस पर क्लिक करने के बाद हम सेकंड वाले पर हल्का सा थोड़ा सा इमेज को इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा वाइटनेस आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा अजीब लग रहा है चीज़ को। हम क्या कर सकते हैं इरेजर टूल लेंगे, इरेजर टूल लेने के बाद इसकी हार्डनेस को हम कर देंगे स्मूथ, साइज़ को नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इस तरीके से इसको छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा लेके सकते हैं इसके बाद देन ये हल्का सा इसके जो एजेस हैं वाइट वाले आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं ताकि ये लाइनिंग जो आपके एजेस हैं इनके वो अलग से ना दिखे। मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ एजेस को, मैंने यहाँ पर इसके एजेस को थोड़ा सा सेट कर लिया ताकि हमारी आउटलाइन जो है प्रॉपर दिखे, स्मूथ दिखे। जो वाइट एजेस हैं इमेज के वो थोड़ा सा इमेज को ख़राब करते हैं। मैं हल्का सा और इसको ले लेता हूँ। फर्स्टली दोस्तों अगर आप कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद को इस्तेमाल करते हैं तो आई थिंक हो सकता है उसके एजेस दिखें आपको, तो मेक श्योर अगर आप इमेज डाउनलोड करते हैं जो मेरे से आज गलती हुई आप ना करें, आप उसे पहले खुद से कटआउट बनाएंगे तो आई थिंक आपका एजेस नहीं दिखेंगे क्योंकि वो हम पेन टूल से कटआउट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इसके एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो वाइट एजेस थे इसके वो जा चुके, ठीक है दोस्तों। जाने के बाद हम इस इमेज को करने के बाद हम यहाँ पर कुछ अच्छा सा देखते हैं क्या हो सकता है। हम इसके लोगो है हमारे पास, देखते हैं इस लोगो को इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते। हम राइट इसको ड्रैग करके यहाँ ले आए लोगो को, हम इस वाली लेयर को राइट क्लिक करके रास्टराइज करेंगे,
और सबसे नीचे जहाँ फोटोज है उन लेयर्स के नीचे ले जाएंगे फोटो को। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, लोगो को हल्का सा छोटा करेंगे एंड देन ये जो फायर वाली इमेज आप देख सकते हैं इसके भी नीचे ले जाएंगे इसको, ताकि ये थोड़ा सा इसके साथ ही दिखे अलग से ना। कंट्रोल टी प्रेस करें और छोटा कर लें और हल्का सा यहाँ हमने आई थिंक यहाँ रख सकते हैं इसको, देखेंगे अभी कहाँ रख सकते हैं, और थोड़ा सा छोटा कर लें अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है, अपने हिसाब से रख सकते हैं, मेरे को जहाँ थोड़ा सा घर नहीं है वहाँ रखने को ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा मूव करें, इसके बाद यहाँ से मोड चेंज करें। आई थिंक इसमें मोड में जाने के बाद कलर कोई सा मोड हमें अच्छा लगे आपको जो अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से मोड सारे देख रहा हूँ, हार्ड लाइट है इसके अंदर, हार्ड मिक्स आप देख सकते हैं, पिंक हमको नहीं करना, हम मेरे को सॉफ्ट एजेस आई थिंक सॉफ्ट लाइट अच्छा लग रहा है, तो सॉफ्ट लाइट पे मैं क्लिक करके इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी करके और बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये पीछे से थोड़ा दिखे, थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ रख सकता आप भी कहीं रख सकते हैं, मैं मेरे को थोड़ा यहाँ लग रहा है तो इसको मैं यहाँ कर सकता हूँ और हल्की सी और ओपेसिटी कम कर दूँ ताकि कुछ इस तरीके से। हम इस सारी इमेज को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाते हैं ताकि कुछ जगह बन जाए हमारे। अब हमने कुछ टैगलाइन डाउनलोड कर रखी है, मैंने जैसे ये कर रखा है सॉरी कॉपी कर रखी है, आप भी कर सकते हैं इंटरनेट से देखकर, गूगल से देखकर, मैंने यहाँ से कर रखी है। देन टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, लेयर क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट। यहाँ पर फॉन्ट आ चुका है, आप मेरे पास ही कुछ फॉन्ट हैं, आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, जैसे मेरे को आई थिंक थोड़ा सा ऑल टाइम फेवरेट कह सकते हैं आप मेरा, मैं पॉपिंस की तरफ जाता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो फॉन्ट है ये थोड़ा ओके, उसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल टी से भी आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं और आप यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट करके ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अगर मूव करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, साइज़ छोटा करेंगे। कंट्रोल दोबारा सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट लेयर कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद इसको कलर वाइट ले जाते हैं और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैप्स लॉक आ रहा है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो सब कैप्स लॉक लॉक हो जाएगा, ओपन कैप्स लॉक में बड़ा हो जाएगा ये टेक्स्ट, इसको क्लिक करेंगे एंड देन ये मैं आई थिंक ये लाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से कट करने के बाद इसको दूसरी लेयर पे पेस्ट कर लेते हैं और हल्का सा ये जो लाइन लिखी हुई है इसको और थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिंग दे के चलता हूँ, देख सकते हैं आप ये इस तरीके से कुछ ये हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं मेरे को आई थिंक थोड़ी सी जम नहीं पा रही, तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका एंगल चेंज कर देते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ से एंगल चेंज किया 90 डिग्री, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे एंड देन अगेन 90 डिग्री एंड देन इसको हम यहाँ रख देते हैं। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ कर सकते हैं, मेरे को आई थिंक थोड़ा जम रहा है तो मैं इसकी तरफ जाऊँगा, इसका स्पेसिंग देख सकते हैं आप, हमने यहाँ रखा है 3, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कंट्रोल बी, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर स्पेसिंग इसकी भी हो चुकी है। कुछ इस तरीके से एक बार दोबारा सेट स्ट्रेट करके देखते हैं इसको,
कि ये मैं इसको यहाँ लेके चलता हूँ, हल्का सा इस लेयर को उसको उस वाली लेयर को सिलेक्ट कर दे, इसको और इसको इसमें हल्का सा ऊपर कर दें ताकि ये आपकी प्रॉपर तरीके से जगह बन जाए। इस वाले टेक्स्ट लेयर को ऊपर करेंगे हल्का सा, इसको भी ऊपर करेंगे। आप देख सकते हैं हमने ऊपर कर दिया ये थोड़ा सा। अब यहाँ से इनका नाम कॉपी करते हैं क्रिस्टियानो का, एंड देन फिर टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल भी। आप यहाँ देख सकते हैं हम इनका नाम कॉपी कर लिया, उसका सेंटर दे देंगे, दे दिया। अब यहाँ से राइट टी सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपने देख स्पेसिंग जो हो रही है इसको ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पर टेक्स्ट देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है इसके अंदर। मैं कुछ सोच रहा हूँ कि आई थिंक थोड़ा टेक्स्ट को यहाँ रख सकते हैं, मेरे को आई थिंक यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ हल्का सा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है अच्छा तो लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ब्लेंड हो रहा है, दब रहा है, तो हम इसके लिए फिर किसी ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हल्का सा ड्रॉप शेडो दिया, देन इसको करने के बाद स्वीटनेस को उसका करेंगे, साइज ठीक है, हार्डनेस कुछ इस तरीके से हमने रखा है 11, साइज रखा है 30 और ये रखा है बीच वाला हमने इस वाले पोर्शन को, स्प्रेड को हमने रखा है 7 एंड देन ओके। अब ये देख सकते हैं नाम थोड़ा प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप कुछ अच्छा पोस्टर बना सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर अगर इसका ऊपर नाम रखना है आप रख सकते हैं, मेरे को आई थिंक थोड़ा यहाँ जम रहा था। अगर मैं इसको कंट्रोल टी दबाऊँ तो मेरे को थोड़ा और मॉडिफाइड करना है इसको, तो मैं कंट्राइट क्लिक करता हूँ एंड देन इस पर क्लिक करता हूँ, स्क्रीन पे हिट करने के बाद हल्का सा इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा थोड़ा ये नाम थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। मैं यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो आई थिंक इसके साथ इस टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के साथ ये वाला टेक्स्ट ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे। ओके आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ इस तरीके से पोस्टर बन गया है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे दोस्तों कि इस पोस्टर के अंदर ये वाला जो हाथ वाला पोर्शन है ये हाथ पीछे जा रहा है आई थिंक, और हमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको आई थिंक हम हाथ को पीछे ना करके आगे की तरफ रखें तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इस वाले टेक्स्ट लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये टेक्स्ट हट जाएगा, तो उसके बाद उसको रास्टराइज कर लेंगे, तो एक ये इमेज बन चुकी है आप देख सकते हैं। अब इस इमेज के साथ हम यहाँ जाएंगे, हम आगे इसको नीचे मूव कर लिया, अगर हम इस लेयर को नीचे लेकर जाएंगे तो पूरा नाम पीछे चला जाएगा आप देख सकते हैं, जो थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। तो हम इस लेयर को वापसी ऊपर रखते हैं, ऊपर रखने के बाद हम इस वाली लेयर पे मास्क करेंगे, ये मास्किंग करी हमने डी प्रेस करेंगे और हम मेक श्योर ध्यान रखें यहाँ हमारा कलर जो है वो बी प्रेस करने के बाद हिंदी कौन सिलेक्ट होगा तो ये मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। बी प्रेस करने के बाद मास्क बनाने के बाद यहाँ मेक श्योर कलर आपका ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक कलर करेंगे, करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हल्का सा हम यहाँ पे ए वाले पोर्शन को अन मास्किंग कर लेते हैं ताकि ये हार्डनेस फुल कर देते हैं ताकि थोड़ा शार्प दिखे, ठीक है। और अब यहाँ देख सकते हैं हल्का सा जो हमारा ए वाला पोर्शन है थोड़ा दब गया, तो इसको कंट्रोल टी दबाएं, एक काम करें इसको थोड़ा सा साइज को पहले ही इंक्रीज कर दें
हम इस मास्क को दोबारा से डिलीट करते हैं, लेयर को उसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हाथ वाले पोर्शन को, ताकि हमारा ए जो है दोनों साइड से दिखे, तो ताकि लगे नाम की स्पेलिंग जो है प्रॉपर तरीके से आ रही है। मेक श्योर सामने वाले को आपके पोस्टर में आपका जो हर चीज़ है वो प्रॉपर तरीके से दिखनी चाहिए। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और हम ये देखेंगे कि हमारे जो ए वाला पोस्टर है वो दोनों साइड से, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैंने इसको थोड़ा ऊपर किया, करने के बाद हम फिर से मास्क सेलेक्ट करते हैं, हमने पहले वाले मास्क को डिलीट कर दिया था। करने के बाद हम बी प्रेस करेंगे, ब्रश आ जाएगा। यहाँ पर कलर आपको मेक श्योर ब्लैक रखना है ताकि मास्किंग सही से काम करे। अब हम हाथ वाले पोर्शन पे ब्रश को फेरेंगे, देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमारा ये, अब यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ कलर वाइट हो जाएगा, ताकि मास्क को हम रिवर्स कर सकें। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड देन इस वाले पोर्शन को थोड़ा इसके साथ प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करेंगे, ताकि हमारा ए वाला पोर्शन जो है अच्छे से दिखे, ऐसा ना लगे हमारा कि हमने ऊपर से रखा हुआ। ये देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, तो अब यहाँ देख सकते हैं अब हमारा ये जो हाथ के ऊपर शेडो आ रही है, इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं ताकि सामने वाले को अच्छा दिखे, और हमने कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये देख सकते हैं हमारा नाम ए जो है हाथ पीछे से ऊपर की तरफ आ गया हाथ हमारा। तो कुछ इस तरीके से आप अच्छे पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं फोटोशॉप में। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू सो मच।